संस्मरण याद आता है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दिग्विजय के क्रम में आदरणीय आचार्य आद्य शंकराचार्य जी सनातन धर्म के अवतारी महापुरुष, जिन्होंने एक सुदृढ़ व्यवस्था सनातन धर्म को प्रदान की, जब अपनी दिग्विजय यात्राओं में भ्रमण पर रहे और अद्वैत वेदांत की स्थापना करने हेतु उन्होंने संपूर्ण भारत में यात्राएं की और शास्त्रार्थ कर लोगों को अद्वैत को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उसी क्रम में वो हिमाचल पहुंचे, पहाड़ पर जहां शाक्त लोग होते हैं, शक्ति माता की आराधना करने वाले लोग होते हैं, वहां पर वो पधारे। एकांत ही उनका रहना होता था तो वो एक स्थान पर रुके और वहां रुकने के बाद देव योग ऐसा संयोग हुआ कि उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया। और स्वास्थ्य इतना खराब हुआ कि उनमें उठने तक की शक्ति नहीं रही, पेट के विकार से प्रेरित हो वो खराब हो गया उनका पेट, और वो बार बार परेशान होते रहे जिससे उनकी शक्ति छीन हो गई। अब एक बिस्तरे पर वो विश्राम में थे, उसी क्रम में एक दही बेचने वाली महिला वहां से निकली, आवाज लगाती हुई कि दही ले ओ, दही ले ओ, दही ले ओ। तो उस मैया की आवाज सुनी तो उस समय उनको लगा कि दही यदि मिल जाए तो मेरे पेट का विकार ठीक हो सकता है। तो उस मैया से उन्होंने कहा कि मैया मुझे भी दही दे दो। तो मैया सहज ही उनके पास आई, आचार्य शंकर के पास, और आचार्य जी से कहा कि किस पात्र में मैं ये दही आपको डाल दूं जिससे मैं अपना पात्र खाली करके आगे बढ़ जाऊं। उसका तो विक्रय का कार्य था, तो आचार्य शंकर ने कहा कि ये जो कमंडल रखा है ना, इसको उठा करके देवी तुम इसमें ही दही डाल दो। तो देवी ने कहा कहां आपका कमंडल रखा? बोले ये रखा है। तो बोले आप ही क्यों नहीं उठा करके दे देते हैं? तो आचार्य शंकर ने सहजता से कहा कि देवी मेरे पास अब वो शक्ति नहीं है कि मैं उठा करके वो पात्र आपको दे दूं। तो देवी ने बड़े मुस्कुराते हुए आचार्य शंकर को जो उत्तर दिया, आचार्य शंकर से उस देवी ने कहा कि देवी ने कहा कि महाराज जिस शक्ति के कारण आप कमंडल भी नहीं उठा पा रहे, पात्र भी नहीं उठा पा रहे, उस शक्ति का विरोध करने यहां तक आए हो? अद्वैत की स्थापना के लिए शक्ति का विरोध करते हुए यहां आ गए हो? तो आचार्य शंकर तो भूल गए सब कुछ। उन्होंने कहा कि अरे देवी, तुमने ये कैसे इतनी उच्च कोटि की उत्कृष्ट बात कर दी? और उनको विचार हुआ कि ये तो मुझसे भूल हो रही है कि शक्ति का विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता, कण कण में मां है। महात्मा में मां, परमात्मा में मां, सब जगह मां ही मां है। और शक्ति के बिना तो शिव भी सबके समान होते हैं। तो देवी को उन्होंने प्रणाम किया। तो घटना ये मैंने पढ़ी थी, वहां देवी का विग्रह प्रकट हुआ और आचार्य शंकर को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब वो वहां से शाक्त का विरोध न करके नीचे दूसरी तरफ के लिए चल दिए अपने मिशन को लेकर के। तो कहने का आशय सिर्फ यह है कि मातृत्व जीवन में ममत्व अति आवश्यक है, तभी आप के ऊपर संरक्षक के रूप में भगवान आप पर कृपा करते हैं।